धनबाद जिला के नए पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश पर अलगडीहा ओपी में पुलिस द्वारा जन सहयोग समिति की बैठक रखी गई, जहां क्षेत्र के तमाम लोग पहुंचे। वहीं बैठक के दौरान लोगों ने अपने क्षेत्र का समस्या पर बारी बारी से पुलिस को अवगत कराया। वहीं अलगडीहा प्रभारी आशीष कुमार यादव ने सभी बातों पर विचार करते हुए कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह के अपराध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पूजा के दौरान ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सहयोग समिति का आज बैठक रहेगा, क्या कुछ कहेंगे? आज दिनांक 10/1/2023 को वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के निर्देशानुसार एक पुलिस जन सहयोग समिति की गठन किया गया तथा बैठक की गई, जिसमें अलगडीहा ओपी क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उम्मीदवारी पेश किया तथा बैठक में पहुंचे, कई सुझाव दिए तथा पुलिस के द्वारा उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि शिकायत आपकी जो शिकायत है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पब्लिक के बीच का जो संबंध है उसको सरल एवं सुदृढ़ किया जाएगा। दोनों के संबंध, पुलिस पब्लिक के संबंध को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस विषय पर भी बैठक में चर्चा हुई, जिसमें सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति क्षेत्र में पेट्रोलिंग सख्त है, जगह जगह पे एंटी क्राइम चेकिंग लगातार किया जा रहा है। अगर इस ऐसा चेकिंग में किसी तरह का पकड़ा जाएगा तो क्या करें? चेकिंग में संदिग्ध पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को मैंने थाना ला करके उसकी पूछताछ, उसके कागजात चेक किया जा रहा है। पुलिस संतुष्ट होने पे उसे, उनके परिजन आने पे उनको छोड़ दिया जा रहा है। अपना परिचय दे। मेरा नाम आशीष कुमार यादव, अलगडीहा ओपी प्रभारी।